60 क्वेश्चन
सही करने हैं, और मुझे 60 क्वेश्चन सही करने हैं, पूरे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। तो इवन अगर एक साल से पहले का भी करंट अफेयर आता है, अगर आप वो पेपर में छोड़ भी दोगे तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो उसे इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको करंट अफेयर एक साल का करना है। करंट अफेयर कहाँ से करना है, अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, अगर आप उसके नोट्स बनाते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं, आपकी कोचिंग देती है आपको मटीरियल कोई भी करंट अफेयर का स्टैंडर्ड आप वो पढ़ सकते हैं, कोई भी मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं। बट इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कम से कम भी 3 या 4 बार रिवाइज कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, कोई क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, कोई एक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, तो 4-5 टेस्ट सीरीज है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम 4-5 की टेस्ट सीरीज को कवर कर लेंगे, अगर हम बहुत सारे इसके 20 टेस्ट लगा जाए, उसके 20 लगा जाए, इसके 20 लगा जाए, ऐसा करके 60-70 टेस्ट करके आप अटैप करके चले जाए तो हो जाएगा, तो वो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा है कि आप कोई एक पढ़ें, वो जो 30 टेस्ट है वो आप पढ़ें, अगर कवर हो जाए तो फिर रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें और फिर रिवाइज करें। ऐसे करके आप अगर 3 या 4 बार आपको रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मिडिल प्लेस आपको ये करना है, करंट अफेयर आपको एक साथ ही रहना है। दूसरा, आपको कोई भी अच्छी टेस्ट पढ़नी है, जिस पढ़नी है जिसमें कोई 30-35 टेस्ट हो, वो 30-35 टेस्ट को आपको 3 या 4 बार रिवाइज करना है। और उसके बाद में फिर आपका जो स्टेटिक जो पार्ट है, जो स्टेटिक जो 6 पिलर्स बोले मैंने, 6 पार्ट बोले, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो है इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो एक बार फाइनलाइज करके जब उनको भी 4 बार रिवाइज कर देना, 3 से 4 बार रिवाइज कर देना। फिटिंग का फंडा यही है। अगर आप ये सोचोगे कि मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप 3-4 बार रिवाइज करके जाओ, तो आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि भाई मान लो मैंने कोई एक चीज पढ़ी, उसमें जो सवाल पूछा है वो चीज में थी नहीं, तो मैं उसको 3 बार रिवाइज करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, तो मेरे को क्या पढ़ना होगा उससे, वो चीज में थी नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने होते हैं ना, तब आपको रिविजन हेल्प करती है। जब आपको चीजें रिवाइज होती हैं तो आप चीजें एलिमिनेट कर सकते हो जो बाकी के ऑप्शन होते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शन तो यही होता है, 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको एक आधा एलिमिनेट करना रहता है कि भाई ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये नहीं होगा। इवन अगर आपको आंसर पूरा नहीं भी आता है बट आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई तो करंट की बात होगी, करंट में कोई भी एक साल का जो आप पकड़ लीजिए करंट अफेयर, एक साल का मतलब कोई टेस्ट पकड़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। स्टेटिंग में जैसे आप स्टेटिंग में सबको पता ही होगा, जैसे पॉलिटी के लिए आप क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत सिर्फ आपको बिल्डिंग्स पे हेल्प करेंगे, मेन्स पे कोई हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको क्लियर हो चाहिए कि मेन्स पे लक्ष्मीकांत में से कुछ नहीं आता, आएगा हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी आगे तो गवर्नर वगैरह पे आ गए हैं, क्योंकि मेन्स जो होता है वो पूरा पूरा करंट अफेयर नहीं होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ बात करते, तो लक्ष्मीकांत आपका क्लियर होगा। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए हो गया, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ते हैं आप लोग, रमेश रमेश जी, मतलब अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, क्योंकि वो बल्की है, काफी बल्की सोर्स है। तो आप क्या कर सकते हो कि मोनाल्स के लेक्चर्स हैं जैसे यूट्यूब पे, देखो इकोनॉमी जो आती है ना, IAS में जो इकोनॉमी आती है वो बहुत बेसिक लेवल की आती है, मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं आएगी, वो बहुत बेसिक लेवल की आती है। मैक्रो इकोनॉमी आती है कि भाई महंगाई बढ़ गई तो हमें क्या करना चाहिए, CRR रेशो, SRR, ये सब के फंडे आते हैं, मैक्रो इकोनॉमी से रहते हैं, उसमें ज्यादा टफ नहीं होता है। तो आपके फंडे एक बार क्लियर हो गए, आपको अगर क्लियर समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो या तो वो लेक्चर से आप कर सकते हो, या कोई स्टैंडर्ड जैसे श्रीराम IAS के जो नोट्स मिलते हैं, छोटी बुकलेट एक तकली इतनी बुकलेट आती है श्रीराम IAS वाली, वो भी आप मतलब कवर कर सकते हो। तो क्या करो, जिस साल आप एग्जाम देने वाले हो उस साल का अपडेटेड वर्जन लेके उसको रिवाइज कर सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ। और एक आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा जिस साल आप एग्जाम देने वाले हो, हर साल जनवरी और फरवरी के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो अगर आप इस साल जैसे जून में लिखने वाले हो एग्जाम, तो इस साल भी जनवरी फरवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा इकोनॉमी में, दैट इज मोर देन एनफ अगर आप इतना करके जाते हो। इस एग्जाम की सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आपको मतलब आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, विश्वास रखना है कि भाई मैंने ये किताब पढ़ी है तो इसमें से आ जाएगा, या जो क्वेश्चन आएगा मैं इसमें से बना दूंगा। ऐसा पैनिक नहीं होना है कि भाई इसमें तो ये पढ़ा हुआ है, इसमें ये पढ़ा हुआ है, ये चल रहा है या वो चल रहा है। आप क्या करो, पहले डिसाइड कर लो कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ। उसके लिए आप बहुत सारे लोगों से कंसल्ट कर सकते हो, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो और फाइनलाइज कर लो। जैसे आपने फिलहाल फाइनलाइज की पॉलिटी के लिए, तो बस हो गया। ये नहीं कि आप उसमें सुभाष कश्यप भी पढ़ने लगो या रविंद्र सिंह भी पढ़ने लगो, वो सब की जाने मेयर एक्ट पढ़ने लगो, वो सब नहीं है। पर फाइनलाइज हो गया बस, ठीक है उतना पढ़ना है और रिवाइज करना है, तो इकोनॉमी में इतना सफिशियंट है। उसके बाद में एनवायरमेंट के लिए क्या पढ़ता हूँ,
तमिलनाडु बोर्ड वाली जो आती है वो काफी बिजी और ईजी रहती है, वो भी सफिशियंट है। एनशियंट और मिडेवल में क्या है कि बहुत ज्यादा बसने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास सोर्स है उसी को अच्छे से पढ़ जाओ, उसमें सवाल आता है तो बनाओ, नहीं आता तो आगे बढ़ो, क्योंकि वो क्या है बहुत डीप है, इसमें अगर आप जाओगे तो जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है वो लोग भी उसमें घूम जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से सर्फेस से पढ़ते हैं उनको तो बहुत आसान, बड़ा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार सोच लिया कि भाई मेरे को ये एनशियंट ओल्ड एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड वाली अगर पढ़नी है दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस एंड टेक के लिए क्या रखो, साइंस एंड टेक का क्या है कि मतलब उसमें अभी स्टैटिक पार्ट नहीं आता है, मतलब अगर आप ऐसा करने लगोगे भाई ग्यारहवीं बारहवीं में बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री और वो सब डिवाइस कर सकते हो तो वो सब तो वो मतलब नहीं है, हो सकता है एक तरह का क्वेश्चन आ जाए बट दैट इज वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, आपकी एनर्जी पूरी चली जाएगी, क्योंकि वैसे ग्यारहवीं बारे में इतना एफर्ट लगता है तो वापस उधर से रिवाइज करके फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, तो उसमें क्या रहता है कि साइंस एंड टेक में वो अप्लाइड पूछता है, अभी अप्लाइड साइंस एंड टेक रहता है। तो जैसे कि अभी पीछे आपने पढ़ा होगा थ्री पैरेंट वेव चल रहा था माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज की वजह से, फिर ग्रेविटेशनल वेव्स है, ये सब जो टॉपिक्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो वही जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे एक साल का उसमें एक साल के उसमें आपका साइंस एंड टेक का सेक्शन भी आएगा, तो दैट इज मोर देन एनफ। इसमें आपको लेकिन एक चीज ये करनी है कि जो साइंस एंड टेक रहता है अगर आप नोट्स से पढ़ते हो तो क्या रहता है बहुत मोनोटोनस रहता है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव है तो ग्रेविटेशनल वेव पे अगर आधे पेज का आर्टिकल है आपने वो आधे पेज का आर्टिकल पढ़ा पर ऐसा हो सकता है कि आपको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई वो क्या था, इस केस में आप क्या करेंगे जो यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, गूगल का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज एनिमेटेड वीडियोज वगैरह पढ़ी जाती है, थ्री पैरेंट बेबी जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बता रहा हूँ वो आप अगर नेट से पढ़ोगे नेट से पढ़ के सीखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है, जीका वायरस वगैरह पढ़ोगे अगर जैसे अगर आप उससे पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो, तो आपको साइंस एंड टेक में करना क्या है कि उसको पूरा थोड़ा सर्च कर लो आराम से, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब ऐसा कि मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या है, उसके बाद क्या होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन उस पर पूछेगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे, अगर आपने खाली ऐसी ऊपर ऊपर पढ़ा होगा रूटीन लाइन में याद करनी होगी रटी होगी तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ, आपको वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या रहिए छह सब्जेक्ट रहता है जोग्राफी, जोग्राफी के लिए 11-12 एनसीईआरटी। जोग्राफी क्या है, मैंने मेरा तो जोग्राफी पहले ऑप्शन जोग्राफी था फिर मैथ था, तो जोग्राफी मैंने बहुत डीप में पढ़ी है बट तो मेरे केस में क्या हुआ जोग्राफी बैकफायर हो गई, क्योंकि मेरे जोग्राफी में कभी नंबर आए ही नहीं, मुझे जोग्राफी समझ में आती है, जोग्राफी को समझा भी सकता हूँ लिख भी देता हूँ पर वो टीचर को समझ नहीं आती मतलब ट्राई किया तो भाई मेरा जोग्राफी क्लिक किया ही नहीं, वैसा नहीं है जोग्राफी से सिलेक्शन नहीं होते, जोग्राफी से ऐसा सिलेक्शन होते हैं जो के नंबर भी आते हैं। अब मैथ मेरा बहुत जल्दी क्लिक कर गया, मैथ में हार्डली आई थिंक 5-6 मंथ ही पढ़ा था, मतलब मैंने दो बार अच्छे नंबर आए मैथ में, तो जोग्राफी जो मेरे को लगता है एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। जोग्राफी में क्या करना है, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की बात करो जीएसटी जिसका जोग्राफी ऑप्शन नहीं है खाली वो बात करें तो उसको एक तो पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी में, एक पढ़नी है क्लाइमेटोलॉजी में, एक पढ़नी है ओशनोग्राफी, मतलब ये तीन जो है वो मेजर यूनिट्स है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब वो एटमोसफेयर वगैरह के बारे में, ओशनोग्राफी मतलब आपका जो ओशन वगैरह रहते हैं ओशन करंट ये उसके बारे में, और फिर जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीन मेजर यूनिट्स है, तो वर्ल्ड जोग्राफी में ये तीनों आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं रतनजी मैम के मोरान की वेबसाइट, रतनजी मैम करके रतनजी सोचा कि आई थिंक वो 2013 की IRS है उसके यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए, तो दैट इज मोर देन एनफ, मतलब वो आपको क्या रहता है खाली वो लेक्चर देखने हैं क्योंकि पीपीटी पढ़ी हुई है और पीपीटी डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर दिया, तो जीएस के लिए जोग्राफी में दैट इज मोर देन एनफ।
वो आपको मेंस में उससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा और उसी पे रिप्लाई करके उसको आप रिवाइज कर दो। एनसीईआरटी तो आप रिवाइज करो ही करो, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की उल्टा लेक्चर पढ़ेंगे सेम इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप, तो आपका ये इधर इतना कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा इसकी और क्या रहेगा, एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर तो हिस्ट्री में आया था, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या मतलब किसने पढ़ी है, नितिन सिंघल ने सुनी है काफी है। तो आर्ट एंड कल्चर में जब आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ेंगे एंशिएंट और मिडिवल, तो उसमें हर चैप्टर के एंड का जो एक दो पन्ने रहते हैं ना, वो उसके आर्ट एंड कल्चर के से रिलेटेड रहते हैं। जैसे आप जब विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे तो उसमें ये हम्पी रूम्स वगैरह आएंगे, जब आप पल्लवास पढ़ोगे तो उसमें मल्लापुरम सबके आएंगे। तो वो क्या रहता है, जब किसी भी एम्पायर के बारे में बताएगा आपका इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी हिस्ट्री में टाइम लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत मतलब आपको ध्यान रखना कि वो अभी एटलीस्ट यूपीएससी में तो शिफ्ट कर चुका है, वो टाइम लाइन के ऊपर नहीं पूछे, वो पूछेगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, पहली कब हुई, वो अब ये सब नहीं पूछता है। वो ये पूछता है कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई, आई थिंक आया था 2014 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है, ज्योग्राफी फैक्टर इकोनॉमिकल फैक्टर है ये सब फैक्टर से रिलेटेड हो जाता है। तो समहाउ हिस्ट्री जो है वो लॉजिकल रहेगी, वो टाइम लाइन बेस्ड नहीं रहेगी कि भाई के टाइम लाइन के साथ क्वेश्चन है। तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब आप ये जब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर तमिलनाडु में मिडिवल सॉरी तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी मिडिवल पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये ध्यान नहीं देना है कि हर्षवर्धन का रूल कब था कब नहीं था। उसका जो चैप्टर के जो लास्ट में जो पार्ट रहता है जिसमें वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें रहती है, वो चीज़ की आपको ध्यान देना है। तो वहाँ से एक तो आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, दूसरा अगर आप उसी चीज़ आगे पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, जो मतलब मोस्ट ट्रस्टेड बुक है और वैसे बहुत कॉम्प्रीहेंसिव भी है, बॉडी बुक है। या फिर मैंने क्या किया था, सी बी एस ई की बुक्स है पढ़ी हुई है सी बी एस ई बोर्ड की, वो आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली में, आपको पढ़ना है डांस, आपको पढ़ना है थिएटर और आपको पढ़ना है आर्किटेक्चर, आपको पढ़ना है म्यूजिक। तो आप ये सी सी आर टी की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, सी बी एस ई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आपको पता। जैसे डांस है, डांस में आपको क्लासिकल जितने डांस है और जो फ्लोक डांस है बेसिक आइडिया होना चाहिए। जिसने बोला कलबेलिया कहाँ आता है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो सफेदर्स है सफेदे होते हैं उनका डांस होता है, इस तरह से बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा अगर तो आपको क्वेश्चन छोड़ देगा, ज्यादा छोड़ देगा। मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन या जीपीएससी आप कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करो तो आपको ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जब आप एग्जाम क्लियर करते हो या टॉप करते हो तो आपके 100% में से 100% नंबर नहीं आते, और आप 50% 55% की अगर आप कर लेते हो यू विल स्टिल गेट थ्रू। तो किसी चीज पर अटकना नहीं है, जैसे मेरे टीचर मेरे मुझे बोलते थे कि अगर आप किसी चीज़ पे अटक रहे हो तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो दोबारा आएगी, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो नहीं आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात ही नहीं, इम्पोर्टेंट है दोबारा आगे तो तब कर देना, और अगर तब भी नहीं तो छोड़ देना, अगर चीज़ छोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बेसिक अपने मतलब क्लियर रखो कि देखो पढ़ना कहाँ से है, आगे नचल रहा है इतना करोगे तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट, इंग्लिश सिखाने कर जाओगे तो फिर तो हो ही जाएगा, सब हो ही जाएगा। बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवाइज करना मत भूलना, एक ही और है ज्योग्राफी हिस्ट्री का इतना है। आप करंट अफेयर एक साल का और ये स्टडी पार्ट एक साल के अगर आप रिवाइज कर जाएंगे दो या तीन बार ठीक है। अभी सेकेंड चीज पे बात कर लेते हैं, ऑप्शनल मतलब आप लोग डिसाइड कर चुके हैं क्या ऑप्शनल है, कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं ऑप्शनल क्या हुआ है, कितने लोग डिसाइड नहीं है ऑप्शनल क्या है, क्योंकि जीपीएससी का ऑप्शन होता ही नहीं आए थे तो बहुत लोग कितने लोगों को ये ऑप्शन का हमसे बात की जा रही है, ऐसे कितने लोग हैं ऑप्शन का करता क्या है, कोई नहीं आया आप जो लोगों को मिला के टोटल तो हो नहीं आज जिसको ले रहा है जिसको नहीं ले रहा है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ठीक है। लोग वर्किंग है कितने लोग हैं बारहवीं पास किए हुए हैं
आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे पास ना बहुत टाइम है, जो दुनिया का टाइम है मेरे पास के पास किया बहुत टाइम है, अभी टाइम ना हेलो से चुप की तरह निकल जाएगा। तो आप लोगों में जो भी टाइम है ना पहले से प्लान करके रखना कि भाई मेरे को इतना टाइम में करना है, मेरे को ये में करना क्या है, मतलब सब वैसा हो जाएगा। तो कॉलेज लाइफ भी एंजॉय होगा, जब आप कॉलेज की तैयारी करते हो ना तो आप कॉलेज लाइफ भी सेक्रीफाइस कर देते हो, और आपने अगर वो चीज़ ठीक से नहीं करी तो ये भी मैसअप हो जाता है, ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, एम ए भी लगता है यार कुछ किया ही नहीं, थोड़ा तो कॉलेज में नहीं करते थे, ये नहीं करते करते थे, ऐसा भी लगने लगता है। तो ये आपको भी वेरी केयरफुल होना, आप प्लान करके रखना पहले से कि मेरे को इतना टाइम टिकट है तो मैं कैसे कैसे करना है। अरे इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये अगले साल में एग्जाम देना है ये ग्रुप का, तो मैं कैसे कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ, मतलब मैं मेरी क्या स्टडी रहने वाली है, इस महीने में मैं क्या करूँगा। उसके अलावा जब आप ब्रॉड प्लान बना लोगे तो फिर आप उसको मंथली लेवल पर ब्रेकअप कर सकते हो, जब आप मंथली लेवल पर ब्रेकअप कर लेते हो तो फिर आप वीकली लेवल पर ब्रेकअप कर लेते हो, फिर आप वीकली कर लेते हो तो आप डेली टारगेट्स बना सकते हो। मतलब डेली टारगेट्स जो बनते हैं ना वो ऐसे नहीं बनते कि भाई मैं आज चार चैप्टर कर लूँगा या पाँच कर लूँगा, वो ब्रॉड पिक्चर को ध्यान में रख के बनते हैं। आप रैंडमली ऐसे बोलोगे कि आज मैं दो चैप्टर कर लूँगा, भाई दो चैप्टर करके ओवरऑल पिक्चर में क्या पड़ रहा है वो मैटर करता है। डेली प्लान आप सभी बना सकते हो जब आपके पास एक या दो साल का प्लान बना हुआ होता है, उसको आप महीनों में तोड़ते हो, महीनों से हफ्तों में तोड़ते हो और हफ्तों से डेज में तोड़ते हो। इसलिए आपको जब भी एग्जाम देना है ना आप उसी हिसाब से मेरे को जीएस में इतना लेना है, ऑप्शन में ये चैप्टर लेना है, ऐसे करके कर सकते हो। जो जॉब वाले आए थे कितने लोग के जॉब वाले, उनको जॉब के साथ एडवाइस चाहिए आप लोगों ने, या तो अलग से पूछ लेना, वैसे जॉब के साथ बताया था वैसे जॉब के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी और कमिटमेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको आपका टाइम कहीं और भी जाता है, देखो जो खाली भी जाता है ना, मतलब जो दिन भर तैयारी भी करते हैं, जो दिन भर पढ़ते हैं, आई थिंक वो भी 10 hours से ऊपर तो हार्डली कोई पढ़ पाता है, 10 घंटे से ज्यादा पढ़ता है, 5 घंटे से ज्यादा पढ़ता है, 5 घंटे से ज्यादा। तो मतलब जो जॉब ही करता है ना उसको क्या करना है कि उसको वो एक पेज से नहीं चलता, अगर कोई बंदा का कोई और कमिटमेंट है, जॉब है या क्या है, उसके बाद दिन में टाइम लिमिटेड है, तो वो एक पेज से नहीं चल सकता। एक पेज का मतलब ये है कि वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं साल भर डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जिस दिन उसके ऑफ होंगे उस दिन उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, किस दिन बॉस ने ज्यादा काम दे दिया, किस दिन बहुत ज्यादा काम आ गया, टायर्ड हो गए, फिजिकली टायर्ड हो गए, तो शरीर साथ नहीं दे रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, नींद आ गई आपको, हो सकता है आप उस दिन किताब खोल ही नहीं पाए, उस दिन ऐसे भी आएंगे, उस दिन आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे कि भाई मैं मैनेज नहीं कर पा रहा चाहिए, क्या चल रहा है, ये एग्जाम सब गया, मैं ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो उसको क्या है उसको पेज चेंज करना पड़ेगा। आपने जब आप एग्जाम के करीब है, देखो सबसे पहले जॉब के साथ में तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती उस पर मैं बोलूँ, अगर तो जॉब के साथ में तैयारी हो सकती है और उसके ऊपर स्टार है कंडीशन सप्लाई, तो कंडीशन सप्लाई ये है कि आपकी जॉब आपको अलाउ करे कि आप प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले छुट्टी ले सकें, क्योंकि आप ये समझो कि एक एग्जाम है और उसके लिए 10 लाख मेरे 4-5 लाख लोग बैठ रहे हैं, उन 4-5 लाख लोगों में से 1 लाख लोग तो सीरियस है, वो एग्जाम सीरियसली दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन वो 1 लाख लोगों से है ऑब्वियसली, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको कम से कम 6-7 दिन की छुट्टी तो चाहिए प्रीलिम्स से पहले, ताकि आप वो 6-7 दिन में 10 से 15 घंटे बैठ के रिवाइज कर सको, तो वो पहली चीज है। अगर आपकी जॉब ये अलाउ करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो फिर तो जॉब बदलो या जॉब वाले को बोलो कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा। सेकंड चीज, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है, जो 4 मंथ है, क्योंकि वो 4 मंथ में क्या होता है कि आपको क्लियर हो चुका होता है, जब आप प्रीलिम्स देके आते हो ना, जैसे अभी तो क्या होता है जैसे आप प्रीलिम्स देके आए, आप सेकंड पेपर देके निकलते हो सीसेट का, तभी के तभी मार्केट में कील आ जाती है और जो थोड़ी बहुत गलती रहती है वो सब रहता है, बट आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो मेरे नंबर कितने से कितने आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं बाउंड्री क्यों ऊपर हूँ या बहुत पीछे रह गया क्या है, तो वो जो टाइम रहता है उसमें आपको क्लियर हो जाती है ये चीज कि भाई मेरे को इस बार हो रहा है तो मेरे को पढ़ना है, तो वो 4 महीने आपको सब लोग मतलब दौड़ रहे होते हैं, अगर आप उस टाइम पे अगर आप स्लो रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे श्योर, मतलब वो एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें आपको डेली के डेली कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो आपकी जॉब ऐसी होनी चाहिए जो वो 4 महीने में आपको छुट्टी ना दे भले ही, बट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे कि आप अपने जो स्टडी आवर्स है वो 6 से 7 घंटे रख सकें, ठीक है, और एटलीस्ट 15 या 20 दिन की छुट्टी मेन से पहले आपको दे सके। मतलब मैं बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, इसमें आप अपनी नौकरी के हिसाब से फिट कर सकते हैं चीजें, इट्स नॉट लाइक कि क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, बट ऐसी तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मेन सर आप बिना छुट्टी के देने जा रहे हो तो मतलब मतलब या तो फिर मैं भी वो बंदे के पैर पकड़ लू जाके वेरी पॉसिबल, लोग करते हैं, कोई करता है ऐसा नहीं बोलता, कुछ कुछ लोग है जिन्होंने किया। आई थिंक मैंने कैनडा की कोई लेडी थी, उनकी पढ़ी थी, तो शी इज टू ओनली जॉब फिर ट्रेवल भी करती थी, एग्जाम दे गया देखिए करती थी, पता नहीं वो दैट इज बहुत टफ है, बहुत टफ है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बहुत टफ है। तो मैं तो इन जनरल आपको बता रहा हूँ ताकि एक्सेप्शन को हट दिए, तो एक ये होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें होनी चाहिए आपकी जॉब में, तो डेली आप 2 से 3 घंटे निकाल सकें डेली। सेकेंड प्रीलिम्स के टाइम पे आपको 1 हफ्ते की फ्लेक्सिबिलिटी दे वो ताकि आप छुट्टी दे सकें, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे इस चीज की कि आप 6 से 7 घंटे निकाल सकें डेली और 15 दिन की छुट्टी दे। अगर आपकी जॉब आपको ये दे सकती है तो आप वो जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली पेपर नहीं पढ़ते, सब लोग डेली पेपर नहीं पढ़ते। जब आप डेली पेपर पढ़ते हो, जब आप ऐसा समझो कि आप 2-3 महीने से लगातार पेपर पढ़ रहे हो, तो वो बंदे की हैबिट हो जाती है, हैबिट हो जाती है, या फिर आपको उस लेवल की हैबिट बनानी है कि आप 1 से लेकर 1.5 घंटे में पेपर को पढ़ के नोट्स बना के रखो, वो लेवल आ जाना चाहिए न्यूज़ पेपर रीडिंग में, वो आपको लाना है। तो यूपीएससी निकालने का दो यूपीएससी और जीपीएससी के 3 फंडे हैं। पहला, आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं है, जैसे अगर मैं ये पूछूँ तो मैं इसे पूछूँ कि भाई कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा यूपीएससी निकालने में, ठीक है, तो जून में प्रीलिम्स है, दिसंबर में अक्टूबर में मेंस है, और फाइनल रिजल्ट अगला प्लान में है, तो मिनिमम 10 महीने चाहिए, बट ये 10 महीने मिनिमम 10 महीने भी हो सकते हैं, उससे इंफायर्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है कि निकले ना, ऑब्वियसली इंफायर्ड भी हो सकते हैं, तो मिनिमम इतना तो चाहिए, इससे कम तो कोई नहीं निकाल सकता, बट ये मिनिमम वही निकाल पाएगा जिसके बाद में 3 चीज़ें होंगी। पहली होती है रीडिंग हैबिट, जैसे क्या होता है कुछ कुछ ना कुछ कुछ बच्चे रहते हैं वो ना बचपन से नॉवल पढ़ते रहते हैं, वो है बचपन से नॉवल पढ़ते हैं, हैरी पॉटर वगैरह सब पढ़े हैं ऐसे, तो वो लोग रीडिंग हैबिट ऑब्वियसली अच्छी होती है, मतलब आप देखेंगे तो जैसे क्वालिटी है कुछ, मतलब वो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस में चलते चलते भी वो 100-150 पन्ने ऐसे खा जाते हैं, तो वो अगर किसी की रीडिंग हैबिट है तो ऑब्वियसली वो समझो कि बहुत ही उसकी 3 महीने का आउटपुट, और आप जिसका कि समझो कि ऐसे बैठे हुए हम 1 घंटे में 10-12 पन्ने हो गए, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत डिफरेंट कंपेरिजन है, उसके लिए 3 घंटे मतलब बहुत 3 घंटे है, हमारे लिए 3 घंटे मतलब बहुत कम 3 घंटे है, तो वो क्या है रीडिंग हैबिट ना आपको बनानी पड़ती है। तो आप क्या करते हो, आप पढ़ते रहते हो तो आपको रीडिंग हैबिट आ जाती है, जो न्यूज़ पेपर आप पढ़ते रहोगे ना डेली, मान लो आपने 2-3 घंटे 2-3 महीने तक पढ़ा, 2-3 महीने के बाद में आपका ऐसा लेवल आ जाता है कि आप 1-1.5 घंटे में न्यूज़ पेपर को पढ़ के उसमें से उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के उसको साइड में रख देते हो, वो लेवल आना चाहिए। तो पहला जो फंडा रहता है ना वो ये है कि आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर है तो आप नेचुरली गिफ्टेड है या आपने पहले से काम किया हुआ है एक तरह से उस चीज़ में, और नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, वो बनाएंगे कैसे, आप पढ़ते रहोगे सीखते रहोगे तो ऑब्वियसली बन ही जाओगे इस तरह से, क्योंकि अब आप बोलोगे कि इसका मतलब जॉब में क्या फ़ायदा होगा भाई, इतना जो एग्जाम में पढ़ते हो, तो आप देखोगे अरे आपने पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, जो सूरत का करेक्टर था उसका एक पोस्ट पीछे वायरल हुआ था, वो बंदे को ये पूरा कमरा भरा हुआ है इतनी फाइलें साइन करने की 1 दिन में, तो उसमें वो पढ़ेगा भी देखेगा भी और साइन भी करेगा, तो समझो दिक्कत आता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये एग्जाम के लिए वो क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपको रखनी ही पड़ेगी कि भाई आप चीज़ें देखो और स्किल स्किप करो और आप हाँ ठीक है इसमें यह है इसमें यह है इसमें यह है इस तरह से। दूसरी चीज़ होती है राइटिंग स्किल, ऑब्वियसली मेन्स आपका राइटिंग स्किल के बिना नहीं निकलेगा, उसमें कुछ लोग गिफ्टेड रहते हैं, कुछ लोग ब्लॉग लिखते रहते हैं, कुछ लोग को बचपन से कुछ लिखने की आदत रहती है, कुछ लोग मतलब
मैंने देखा है कि जनरली लोग गिफ्टेड रहते हैं ये चीज में भी, तो अगर आप हो ऐसा कि आपका भाई राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको उतना शार्प करने की जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा है कि भाई आप इंग्लिश लिखते हो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, तो वो एक तो पहला लेवल तो यही हो गया, एक लेवल तो ये हो गया कि भाई वो कैब ही नहीं है अपने पास में लेवल की, तो पहले जब आप पढ़ोगे 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 तो वो कैब में वर्ड आएंगे आपके पास में। फिर दूसरा है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाती है, ही का शी हो जाता है, इसका हो जाता है, इसकी भी हो जाती है, होता है ऐसा ऑब्वियसली जब आप लिखते हो तो जब आप कुछ सोच के लिखते हो फ्लो में लिखते रहते हो तो तब पता चलता है कि अच्छा ये मिस्टेक ये है इसके लिए, तो वो एक लेवल फिर आपका इम्प्रूव होता है। तो ऐसे ऐसे करके लेवल्स इम्प्रूव होते हैं। पर अगर किसी का पहले से ही अगर मतलब कोई राइटिंग में अच्छा है तो ऑब्वियसली उसको उतना काम करने की जरूरत नहीं है। तीसरा है आपकी स्पीकिंग, अगर आप बोलना जानते हो तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में वो हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू भी ऑब्वियसली बिना इंटरव्यू में पास नहीं कर सकता। तो आपको अपने आइडियाज कम्युनिकेट करने आने चाहिए, मतलब सामने वाला समझे कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, कहना बहुत कुछ चाह रहे हो, पर सामने वाले उस बात करने की पड़ रही है कह क्या है तो भी होगा। तो ये तीन चीजें अगर आपके पास में है तो आपका टाइम बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। आप देखोगे बहुत सारे ना जो लोग निकालते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने जनवरी में फरवरी में तैयारी स्टार्ट की थी, ये जून में बिल्डिंग किया, दिसंबर में मेल किया और मेरा हो गया। देन भी अच्छी रहती होगी, उनके टाइम रहेगी, किसी की छुट्टी रहेगी, ऐसा रहेगी। तो आप कहोगे यार तो मतलब कोई लोग तो इतने साल तक लगे हुए हैं, कोई लोग जो है वो इतने कम टाइम में निकल के ले आ रहे हैं। उसमें एक चीज़ और भी रहती है, ये तीन चीज़ें तो रहती हैं ऑब्वियसली। एक चीज़ उसमें क्या रहती है कि वो लोग ना ऑप्शनल समहाउ प्रिपेयर होता है पहले से। जैसे आप देखोगे मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट रहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन वही रहता है, लॉ के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका ग्रेजुएशन उसी चीज़ में रहता है, मैथ्स का वही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें तो उसका ऑप्शनल वो रहता है, उसको वो टाइम मिनिमम लगता है उसमें। ये बहुत रेशनल चीज़ें हैं, मतलब आप जज कर सकते हो किसी बंदे ने अगर इतने कम टाइम में किया है तो उसका रीज़न क्या है। कोई फ्लॉन्ट कर रहा है अगर कोई मतलब ऐसे गलत बोल रहा है तो एक गलत चीज़ है, बट अगर रेशनली कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने ये ऐसे ऐसे किया है तो हर एक चीज़ का रीज़न होता है, आप डिड्यूस कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, तो फिर जैसे आप बोल रहे हो तीन घंटे अगर उसमें पेपर कैसे पढ़ूँ, तो या तो आप वो लेवल तक अचीव कर लो कि भाई मैं एक डेढ़ घंटे में सब साफ करके रख दूँगा, या लोग ये भी करते हैं कि भाई जो वीकेंड रहते हैं उसमें पाइल अप करते हैं न्यूज़पेपर, वो वीकेंड में लिखाते हैं, अभी छुट्टी के दिन में लिखाते हैं। या लोग ऐसा करते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है, वो फिर फ्रेंड एफ एल मैगजीन आती हैं वो हाल हर चीज़ के प्रोजन पॉइंट्स हैं। कुछ ऑब्वियसली जो डेली पेपर पढ़ता है उसको कुछ एडवांटेज रहेगी, उसके आंसर कुछ अलग लेवल पर यूनिक रहेंगे, बट अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते टाइम इतना आपके पास नहीं है, आपको ऑप्शन भी करना नहीं करना है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पड़ेगा नहीं है अटकना कहीं पर नहीं है, मतलब पेपर नहीं हो रहा मैं क्या करूँ। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है कि भाई मैं स्टेटिक पार्ट और करंट अफेयर वाले पार्ट को मैनेज कर सकूँ, वहाँ पे ये चीज़ एक है। कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेज पे हैं। देन वो जैसे हर एक मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा इतना अच्छा है कि इसमें साइंस वाला बंदा भी बैठता है, ह्यूमैनिटीज वाला भी बैठता है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टेंथ और ट्वेल्थ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है, मतलब उनकी फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेंथ में फेल भी जिन्होंने दोबारा नहीं किया जाकर ट्वेल्थ पास किए होते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो टॉपर रहते हैं आई आई टी रैंक 25 थी जैसे लास्ट ईयर जो उनकी अपने टाइम पर 25 थी, अपने टाइम पे आई आई टी रैंक 1 थी आई थिंक और पिछले साल उनकी 25 रैंक थी बैच वाले, तो वो सब लोग भी निकालते हैं। तो मतलब जो लोग निकालते हैं बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो मान लो कि सारी चीज़ें याद नहीं रहती ना आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको पता है कि अपनी वीकनेस क्या है, तो आप फिर उस अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। जैसे मेरा मैम जैसे थी 2014 रैंक वन थी, तो आप देखोगे उनका जोग्राफी ऑप्शनल था, पर वो पूछते कि यार मेरे को मैथ में है तो पता नहीं था एलेवन टू कहाँ है क्या है, जबकि अगर आप किसी जोग्राफी ऑप्शन वाले बोलेंगे यार अच्छा तेरे को पता है ये कहाँ पे लेफ्ट कहाँ पे लगाना पॉइंट है, कोई नहीं बता पाएगा, लोग हंसते हैं अगर जोग्राफी ऑप्शन है तो ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो ये नहीं पता राजनीति क्या है, तो एफ बी आई को मैटर नहीं किया है। तो जैसे अगर आपको दिक्कत होती है चीज़ें मेमोराइज करने में तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक बना सकते हो कि भाई मैं चीज़ें समझूंगा, चीज़ें समझूंगा जितनी समझूंगी, अगर आप समझ के रटोगे तो रट जाएंगे,
महंगे रेट होंगे तो नहीं रेट देंगे। जैसे आप देखोगे कि जैसे मान लो आप रिवर्स पढ़ रहे हो तो आपने मैप रखा, आपने देखा कि ठीक है गंगा है इधर जमुना है, इसकी राइट हैंड जुड़ रही है लेफ्ट हैंड जुड़ रही है, ऐसे ऐसे करके आपने मैप में विजुअलाइज या देख के आपने याद किया। वहीं आप देखोगे कि SSC के बच्चे भी सेम चीजें याद कर रहे हैं रिवर्स में, और वो कुछ वो अलग एक्रोनिम बना लेते हैं, मेरा बचपन वैसे ही है वैसे ही है ये से ये ये से ये, वो भी रख रहे हैं समझ के नहीं रख रहे, रख तो आप भी रहे हो, आपने भी कुछ मधु थोड़ी लगा दिया गंगा धैर्य तो भैया गंगा को ना, बट आपने समझ के रख दिया ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है तो वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, तो वरना तो जितना समझ में आ सकता है जितना नेट की हेल्प लेके आप ऐसे लेके उसको समझने की कोशिश करो, देन उसी हिसाब से आपको आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई मेरी स्ट्रेंथ ये है मैं ये नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँगा ठीक है, बट मेरी जो स्ट्रेंथ है वो समझने वाली चीज है तो वो जहाँ पे जो समझ नहीं पाते लोग का मैं वो समझ के बैठ दूंगा, वो चीज आपको भरोसा रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ मेरा मैथ्स कितनी गया ज्योग्राफी कितनी है मेरा, मेरे ज्योग्राफी में मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, मेरे कभी भी ज्योग्राफी में मार्क्स 500 में से 220 से क्रॉस ही नहीं किए, कि मैंने फर्स्ट टाइम अपना अटेम्प्ट दिया तो मैंने कम पढ़ा था, मुझे लगा भाई मैंने कम पढ़ के दे दिया, फिर मैंने दोबारा दूसरी बार और किताबें उसमें ऐड करी, मैंने और बहुत ज्यादा पढ़ा था बी कितनी हुआ किसी बार क्या तो भी कितनी हुआ, तो मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी से तो एग्जाम नहीं निकलेगा, मैंने दो ऑप्शन है ज्योग्राफी हटाओ या एग्जाम मत दो, क्योंकि अगर मैं पढ़ी ज्योग्राफी से लिखूंगा तो स्टोरी सेम ही रहने वाली है। तो फिर मैं वो लगा कि यार मैं सोचने लगा कि तो बकिंग भी है अभी फेबररी हो गया है जून में एग्जाम है, मैथ्स तो वैसे लोग बात करते हैं कि मैथ्स कैसे लोग पढ़ेंगे चार महीने को कैसे करेगा क्या नहीं करेगा, तो फिर मैंने बहुत सोचा, मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं मतलब मैं भी इंटर बोर्ड से हूँ यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ अंदर, और बट उस टाइम पर मैंने JEE निकाला था और मैं अपने पूरे शहर में और अपने बोर्ड में पहला ही नाम था वो इलाके में जिसमें JEE निकला था IIT निकला था उसके लिए, मैंने ऐसा सोच के थोड़ा सा कहा कि यार तेरा तब तू कर सकता है, पर मेरे को ये था कि तू अकेला तो नहीं रहता है और मतलब तेरे को किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी जैसे कुछ तो गाइडेंस लेना पड़ेगा, तो मैंने देखा कि अच्छा मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग कौन सी है मैथ्स में, तो मैंने उनको बात की, फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे को 3-4 महीने में करना है और आपके जो बैच चल रहे हैं ये बेस पे मेरा 3-4 महीने में नहीं होगा, आपके पास में पिछले साल के इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं क्या लग रहा है, बोला कि आप मेरे को वो दे दो ताकि मैं एक दिन में 4-5 मिनट लेक्चर दे दूँ, तो उस तरह से मैंने किया। मतलब स्वभाव आपको अपने ऊपर विश्वास होना पड़ेगा, लोगों सामने वाले को विश्वास नहीं होगा कि भाई तुम ये चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू बी क्लियर ऑन योर स्ट्रेंथ ऑन योर वीकनेस, जैसे कि आप देखोगे फिजिक्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहती है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है, बट स्टिल वो एग्जाम निकालते ही है क्योंकि वो मैटर नहीं करता, आपने वो 3 एग्जाम क्वेश्चन जो थे 6 नंबर के वो नहीं किए, आपने कुछ और अटेम्प्ट किया जो आपके स्ट्रेंथ पे था, तो ये रहता है। एक किया और किसी को कुछ पूछना है कुछ लोग इनको कुछ पूछना है मेरे प्रीलिम्स का डिस्कस कर लिया और फिर जॉब के साथ में डिस्कस कर लिया, ऑप्शनल वाले तो काफी कम लोग हैं तो आई थिंक वो अलग से पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे अभी क्लास को अभी किसी और को कुछ पूछना है इसलिए मतलब जो चेकर रहता है हाउ डज इट क्वांटिफाई मतलब ये और इट हाउ टू फेल इज वेरी गुड क्वालिटी एंड आई हैव रिटन 4 पेजेस एंड ऑल ब्ला 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 सो योर चेकर वुड बी डिफरेंट माय चेकर वुड बी डिफरेंट, so how does UPSC seriously quantify that you have done 100% correct? You might be getting, I said, 10 out of 8 marks. I will be getting 10 out of 10. Because my checker was okay, he's written good and good. So how does UPSC seriously quantify this rule? इसमें क्या तीन चार चीजें हैं देखो, पहले क्या होता था, पहले इसमें 6 नहीं होता था, जो मेंस की कॉपीज होती थी उसमें क्या होता था कि आप लिखते आते लिखते आते थे एक्स्ट्रा शीट ले देते उसे आप करते, अभी क्या हुआ इसमें 6 हो गए, 10 मार्क का क्वेश्चन होता है 1 पेज, 15 मार्क का क्वेश्चन होता है 2 पेज, 20 मार्क का होता है 3 पेज, तो सबसे पहले तो वो चीज तो खत्म ही हो गई है जिसने 4 पेजें लिखे हैं जिसने 2 लिखे हैं, चीजें क्वान्टिफाई हो गई है, प्लस है ना उसने लिखा है कि 200 वर्ड्स और 200 वर्ड तो कोई गिनेगा नहीं वहाँ पे, बट समाओ एक अलग एस्टिमेट कर लेता है और जो चेकर है उसको लगा कि इसने 200 वर्ड जो है वो एक्सीड किया है,
तो वो आपके ऊपर नेगेटिव पेनल्टी भी लगा सकता है। पहली तो वो है, वो ठीक समझ में आ जाता है। जैसे कि किसी की राइटिंग थोड़ी खुली खुली है, बड़ी बड़ी सी है, तो उसने दो ढाई पन्ने भी लिखे हैं तो उसको लगता है कि वर्ड्स कम है, पर किसी ने बहुत कम स्पेस में लिखा है, वो पूरा तीन पन्ने लिख दिया तो समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया है। तो जी में इम्पोज है नेगेटिव पेनल्टी, पहली चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम लोग ना थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं चेकर्स को, मतलब ये मतलब सच्ची प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक ऐसा एक वो है कि हर जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपनी पिछली जनरेशन को थोड़ा डुबली समझती है कि भाई अपन इनसे तो स्मार्ट ही है ना, तो कि भाई वो यार 50-60 ईयर्स के वो कर रहे होंगे तो अपन लोगों को लपेट लेंगे, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उनको जहाँ पे भी क्योंकि वो क्या उनको यार वो पूरी लाइफ उनकी निकल गई कॉपी चेक करते करते, ठीक है, ये तो यूपीएससी की कॉपी चेक नहीं होगी, वो पूरी हर साल वो ग्रेजुएशन की कॉपी चेक करते हैं, सब करते हैं, वो आपके ग्लांस भी करते हैं ना आंसर्स पे, वो कीवर्ड्स वाले में आ जाते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं वो अंडरलाइन जो करते हैं ना कीवर्ड्स, वो इसलिए करते हैं, वो उनका काम आसान करते हैं कि आप सर यहाँ यहाँ पे यहाँ यहाँ पे नजर डाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आता है, वो उतना ही देखता है, आपने अंडरलाइन नहीं किया तो वो खुद से देख लेगा कि अच्छा हाँ ये आपका ब्लफ चल गया, ब्लफ कितने में चल गया, ये क्वेश्चन में 2-3% में तो चलेगा नहीं, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखोगे कि जो बहुत अच्छे नंबर पाया है उसको एक दो सवाल नहीं आते थे, वो ब्लफ लिख के आया, बट स्टिल ही मैंने देखा, हो सकता है कि नहीं पकड़ में आया हो, तो ह्यूमन एरर था, उसमें कुछ नहीं है, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते पूरा फ्रूट में पूरी कॉपी, मतलब इसकी अच्छे ऐसे रैंडमली नंबर दे दिए, इसके फ्रूट में नंबर बेकार दे दिए, ऐसा नहीं है, एक आधा क्वेश्चन हेयर एंड देयर तो हो सकता है, तो ह्यूमन एरर है, तो कोई मेंस में क्या है कि देखो जैसे जीएस के चार पेपर है और ऑप्शनल के दो पेपर है, मतलब एक ऑप्शनल के दो पेपर है, पहले दो ऑप्शनल होते थे वो हट के अभी एक ही ऑप्शनल रह गए, दो पेपर आएंगे और हिंदी आपका गुजराती और एक इंग्लिश क्वालिफाइंग रहता है, मतलब उसके मार्क्स यही रहते हैं। अभी जैसे GS1 है, GS1 क्या रहता है, GS1 में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ये सब आते हैं। तो हिस्ट्री आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ी दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ज्योग्राफी आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ी दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसी को रिवाइज करना है, राइटिंग प्रैक्टिस को करनी है, मतलब अगर आप पहले प्रीलिम्स में क्या होता है कि मान लो जैसे प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने खाली क्वेश्चन देगा और उसके ऑप्शन दे गए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये कहना चाह रहा है, तो प्रीलिम्स में वो तो हो जाएगा, बट प्रीलिम्स में क्या है आपको लिखना पड़ेगा, जिंदगी पूरी चीज बतानी पड़ेगी। जैसे ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ ऑप्टिमिज्म के बारे में बताता हूँ, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक ये में देखिए अगर तो प्रीलिम्स में आपके सामने क्वेश्चन भी रहता है और आंसर भी रहता है, मैं वो चार में से रहता है आपको आंसर पता तो रहता है, पर मेंस में तो शीट ही ब्लैंक है, जो क्या है क्या नहीं है वो आपको पता ही नहीं है, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जितना भी टफ हो आंसर तो सामने ही है, वो चारों में से कोई आंसर है तो ईजी है, उसको मेंस में तो बिल्कुल जीरो है, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो GS1 में क्या है कि हिस्ट्री आपने जो पढ़ी वो सफिशियंट है, ज्योग्राफी आपने जो पढ़ी सफिशियंट है, सोशल इश्यूज जो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे वो आपके आपको लिंक कर देंगे, जैसे सब्री माला इशू हो गया, वुमेन का इशू हो गया, हेल्थ का इशू हो गया, आयुष्मान स्कीम चल रही है, जैसे एजुकेशन का इशू हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब जो इशूज है ये आते हैं आपके GS1 में, वो आपके करंट अफेयर से लिंक कर देंगे। सेकेंड आपका रहता है GS2 में रहता है आपका क्वालिटी वाला जो पार्ट रहता है, तो पोल्ट्री वाले पार्ट में आपको जो लक्ष्मीकांत है ना वो बहुत कम हेल्प करेगी, बहुत कम हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो GS2 में है वो कभी भी स्टैटिक पार्ट से आते नहीं है, वो आते हैं सारे के सारे करंट अफेयर से। हाँ, स्टैटिक का कोई पार्ट करंट अफेयर में रहा है, जैसे कि पहले क्या हुआ था, अभी जो इलेक्शन हुए थे गोवा में और त्रिपुरा में, वो सब इलेक्शन में तो वहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी किसको सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए, तो वहाँ पे गवर्नर का जो रोल था उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी चलती थी, भाई किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, तो वो उस पर्सपेक्टिव में गवर्नर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके जो भी स्टडी प्रोविजंस है, आर्टिकल जो जो है 105 है, ये सब है, वो आपको उसमें लिख रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत उतना हेल्प कर सकती है, हम जो करंट वाले जो क्वेश्चन है उसको आप स्टडी पार्ट से लिंक अप कर दो। सेकेंड आता है इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी आपका पूरा पूरा करंट अफेयर है, सेकेंड GS2 में, और फिर GS3 में आपका आता है साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, वो पूरा पूरा करंट अफेयर बेस है, ठीक है, और GS4 आपका इतिहास है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि वो दो सेपरेट कॉपी बना सकते हैं, वो कॉपी में वो क्या करें, एक तो एसे की और एक फिजिक्स की, तो जैसे कि कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट स्टोरी आती है, कोई एनेक्डोट आता है, उसको एनेक्डोट बोलते हैं, या कोई एग्जाम्पल आता है,
जैसे कि पहले न्यूज आई थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम वो इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें कि भाई इथिक्स और वैल्यूज क्या लर्न हो सकती हैं क्या, या फिर ये घर से ही लर्न होकर आती है क्या, क्लास में बैठ कर किसी को सिखाया जा सकता है नहीं सिखाया जा सकता, तो जब आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो कि हाँ भाई सिखाया जा सकता है या फिर आप कहते हो नहीं सिखाया जा सकता, तो आपको सब्सटेंशिएट करना होता है कि भाई हाँ इस वजह से हो सकता है इस वजह से नहीं हो सकता, तो वहाँ पे आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस ये किया, या फिर जो आरटीआई में सीसी करके है कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट इवैल्यूएशन स्कीम है जिसमें एक बच्चे का पूरा एक एनालिसिस होता है जो आप कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगे जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो उसमें कोई एग्जाम्पल आया दिखाया तो वो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, उससे आपको क्या होगा इथिक्स की कॉपी बन जाएगी जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अगर आप लिख के आ गए क्वेश्चन के आंसर में तो फिर मतलब आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, उसका तो कोई नहीं है क्योंकि जो बंदा मैगजीन से करंट अफेयर तैयार करता है उसके पास ये सब चीज़ें नहीं रहती, न्यूज पेपर वाले के पास सिर्फ यही रहता है ये चीज़ें वो डाल सकते हैं जो डेली पढ़ता है उसके पास रहता है, तो सेम चीज एस टी में भी है, एस टी में अगर आप एनेक्डोट्स रहते हैं जैसे कि जैसे इंदिरा गांधी अभी कैप्टन चेयरमैन थी वो रिटायर हुई तो वुमेन ऑफ पार्लियामेंट पे है, तो आप तो उन्होंने जैसे स्पीच में बोला था कि मतलब कि मैं इंडिया में तो बहुत छोटी फैमिली से आई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी के ऐसे रिटायर होंगी, ऐसे अगर मेरी स्टेटमेंट था तो मान लो मैं कहीं पर कोई आया कहीं पर वुमेन के ऊपर कोई ऐसे आया कंपनी पुलिस लाइक के जैसे पिछले साल कुछ आया था कि मतलब जो वुमेन अचीव कर रहे हैं वो मिथे है रियलिटी है क्या है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट कि भाई इंदिरा गांधी ने ऐसा होगा, एग्जाम्पल्स अगर आप रेडियो तैयार करते जाएंगे तो आप एस सी में भी बहुत अच्छी मार्क्स आएंगे, मतलब आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया एस सी का और जी एस टू का, और बाकी जी एस वन टू थ्री में तो यही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में यही है आप अपनी क्वेश्चन से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज है जैसे इनसाइट सिक्योर है, इनसाइट सिक्योर में जो डेली क्वेश्चन आते हैं वो लोग वो आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और मटीरियल आता है विजन 365 आता है वो पूरे साल का मीन्स का मिलता है वो पढ़ सकते हैं वो करंट में है, इस तरह से आपका वो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स पे लिखना ही है, मतलब आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि जी एस में जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको नहीं आते हैं, जैसे उन्होंने पूछा था बहुत सारे क्वेश्चन पे, अब होता क्या है कि अभी ये लॉन्ग मन बन चुका है ऐसा कि 20 क्वेश्चन आए तो इसके 20 अटैम्प्ट तो संभव आप जी एस में पीछे रह जाओ, तो लोग क्या करते हैं चाहे वो आए या नहीं आए क्वेश्चन आप उसमें लिखते ही होते रैंडमली कुछ भी लिखते हो, पर ये है कि आपने कुछ अगर अच्छा से पढ़ा हुआ होगा आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी आपको पता होगा तो आप मैनेज कर पाओगे, अपसाइड लिखोगे पर वो भी रैशनली अपसाइड लिखोगे आप मतलब ये रैंडमली अपसाइड लिखा ये है। मतलब जो मैंने जो गवर्नमेंट लिया था मैंने जो दिया था ऑप्शन वो ऐसे लिया था क्योंकि मेरे सीनियर्स ने लिया था, मेरे जो सब्जेक्ट में जो लोग पढ़ते थे वो सबसे पहले गवर्नमेंट था तो मैंने भी ले लिया, फिर जगह मुझे पूछा कि भाई आपने क्यों लिया, उन्होंने बोला कि भाई बहुत रेशनल सब्जेक्ट है बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक देखो तो दो प्लेट टकराती है तो पहाड़ बन जाता है बहुत रेशनल बात है, ठीक है जो अगर बोल कह रहा आप एक्सप्लेन कर सकते हो सब्जेक्ट बहुत रेशनल है तो मैंने कैसे लिखा, तो मैंने अपनी कोई रिसर्च नहीं करी थी ज्योग्राफी के ऊपर ना मैंने ये देखा था कि मेरा इंक्लिनेशन है या नहीं है, जैसे मेरी ज्योग्राफी एक्चुअल में इतनी वीक थी तो मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है कहीं पर, बट मेरे को कितने मोटिवेट होते हैं वो भी पता नहीं था, तो मैं इसकी मैंने तैयारी शुरू की एक्चुअल में ग्रेट लेक्स क्या होती है अमेरिका में मेरे को पता नहीं था, तो मेरी ज्योग्राफी वो लेवल की वीक थी, तो या तो मैं वो लेवल की वीक से करते करते यहाँ तक लाया उसमें मेरे को टाइम लग गया आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली मेरा फेवरेबल सब्जेक्ट तो वो नहीं था कंपेयर टू मैथ्स, क्योंकि अगर मेरे मैथ्स में बात करते हो मेरे को मैथ्स में डिफरेंशियल बहुत अच्छे से आती थी बहुत अच्छे से आती थी मेरा तो यूनिफॉर्म सेट था, तो अगर आपको जैसे चूज करना है ऑप्शन तो सबसे पहले आप क्या करो आप पहले दिन से डिसाइड करने के बजाय आप जी एस पढ़ लो आप ज्योग्राफी पढ़ लो हिस्ट्री पढ़ लो इकोनॉमिक्स पढ़ो जो पाँच छः सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ के देखो फिर आप देख लो कि आपका इंक्लिनेशन किस तरह है,
अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस के इतने स्टूडेंट हैं सभी हैं, और अगर आपका 10 12 में मैथ्स अच्छा था, 10 12 में मैथ्स किसका अच्छा था, 10 12 में बायो वाले कितने हैं, बायो का कौन सा ऑप्शनल है, मेरे को बायोलॉजी का तो आई थिंक इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, पर आप देख सकते हो, मतलब ऑब्वियसली पेपर उठा के देख सकते हो आपने 12th पढ़ी है। तो जैसे मैथ्स का ये है कि अगर किसी की, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप IIT से नहीं भी हो, अगर आप NIT से भी नहीं हो, किसी बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं हो, बट आपका 12th का मैथ अच्छा था, 10th का नहीं, 10th का मैथ और 12th का मैथ बहुत अलग है, आपका 11th और 12th में मैथ अच्छा था, आपको इंटरेस्ट आता था, आपको चीजें समझ में आती थी, आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, तो आप मैथ्स ले सकते हो, आप उससे नहीं पढ़ पाओगे, बट किसी ना किसी गाइडेंस से पढ़ जाओगे, कोचिंग वोचिंग लेके पढ़ जाऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप साइंस का सब्जेक्ट कर सकते हो, तो आपकी पहली प्रेफरेंस साइंस का सब्जेक्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट आपको ये इंश्योर करा सकता है कि आप 300+ ले आओगे। आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट उठाओगे अगर, तो हिस्ट्री में आप जैसे आप एग्जाम देके बाहर आए, कि आपको किसी आपसे पूछा कि भाई कैसा गया तुम्हारा, आप लोग कुछ समझ नहीं आया मेरे को, तो बहुत बेकार गया, हो सकता है आपके पेपर बहुत अच्छे आ गए उसमें, क्योंकि पेपर आपका बहुत अच्छा गया हिस्ट्री का, तो किसी ने पूछा आपसे कैसा गया, बहुत अच्छा गया पेपर, फिर नंबर नहीं आया, तो समहाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्कशन ऑफ चैप्टर ऑल्सो। आप तो कहना चाहते हो, आपको तो लग रहा है आपने समझा दिया, पर उसको उनका समझ में आ रहा है, वही गलत बात है। साइंस में ऐसा नहीं है, 2+2 = 4 ही है, वो भी अग्री करेगा, आप भी अग्री करोगे इस बात। तो अगर किसी का साइंस का सब्जेक्ट अगर आप ले सकते हो ना, तो मेरा ये मानना है कि UPSC की प्रिपरेशन जो बहुत अनप्रडिक्टेबल है, उसका एक प्रिडिक्टेबल पार्ट ये है कि आप ऑप्शनल को सर्टेन कर लेते हो, अगर आप ले सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। पर अगर वो नहीं है, समाओ आपका 10th इतना अच्छा नहीं था, आप साइंस के अच्छे से स्टूडेंट नहीं थे, अभी आप करना चाहते हो, मतलब आप एफर्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली फिर आपको ह्यूमैनिटीज की तरफ ही जाना चाहिए। ह्यूमैनिटीज तरफ में भी अभी जैसे एंथ्रो बहुत क्लिक कर रहा है, एंथ्रो में लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट इस बेसिस पे आप नहीं जा सकते, आप पहले क्या करोगे, देख लो, पढ़ के क्वालिटी पढ़ के देख लो, हिस्ट्री पढ़ के देख लो, ज्योग्राफी पढ़ के देख लो, फिर आपका किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है भाई मेरा ये सही चल रहा है या नहीं, उसको थोड़ा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा एक आधा महीना टाइम देकर देखो अपने आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चीज क्लिक करनी है नहीं करनी, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, तो फिर वो सब्जेक्ट की समझ जाओ, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, GS भी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, और ऑप्शनल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप जब GS पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, तो आप ऑप्शनल उठाओ तो आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए, वो ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए कि GS की जो खाने आपकी वो ऑप्शनल में निकल जाए, आपको मजा आया पढ़ने में, सॉल्व करने में, अगर ऐसा है तो आप उस सब्जेक्ट को देंगे पहले दिन से, मतलब आप आज ही तैयारी करने आए, अभी आपका पहला दिन ही है CBSE प्रिपरेशन का, सो आज ही आपने क्या लेके आया, प्री डिसाइडेड माइंड से आने के भाई नहीं यही लेना है, वो मत करना, अगर प्री डिसाइडेड माइंड से आया भी हो तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, हाँ मैं इस चीज में अच्छा था, अच्छा हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सर वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, बट हाउ वी शुड फेस द इंटरव्यू सर, क्योंकि वहां पे बहुत IAS ऑफिसर होंगे, कोई भी होंगे, तो उनको कैसे फेस करना, इफ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जो आपको नहीं पता, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, उसके बारे में बता रहे। इंटरव्यू के बारे में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ कि बहुत कॉमन और ऑब्वियस चीजें हैं, बट हम मिस कर जाते हैं। पहली चीज ये है कि जैसे ही आपका मेन्स खत्म हो जाता है, तो आपको ना रीजनल पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मान लो कि आप सूरत के हो, तो आपको सूरत का पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जैसे आप जाओगे ना, तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन वो पूछेगा कि भाई तुम्हारे शहर में दिक्कतें क्या है, तुम्हारे शहर में एजुकेशन का स्टेटस क्या है, तुम्हारे शहर में क्या वुमेन वगैरह क्या स्टेटस चल रहा है, क्या रिक्रूटमेंट के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही है, SMC क्या कर रही है, मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये, अगर आप कभी बीच में भी पढ़ सकते हो ना अपनी लोकल न्यूज, आपकी गुजराती में या हो, तो आपको पढ़ती रहनी चाहिए वो सब चीजें। उसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं ना, वो आपको ना एक प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं,
जैसे जो इंडियन एक्सप्रेस है या हिंदू है ना, वो सब थोड़ी सी हम स्कॉलर लोग लिखते हैं, इतनी ग्राउंडेड भी नहीं होती कभी कभी चीज़ें, बहुत हमारे की बातें होती है पेपर वाला, और जो लोकल पेपर होता है ना वो बहुत हवाई बात करता है कि भाई इसको ये था, उसको चुराए पे पुलिस वाले को पीट दिया, उसने बाइक की चेकिंग करते हुए ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे ऐसी सिचुएशन में पूछ लेते हैं, और आपके बारे में प्रैक्टिकल आंसर होने चाहिए, जो आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया लगता है कि अच्छा यार ऐसा हुआ था कि बच्चों ने जैसे कि कॉलेज के लड़कों ने कुछ हंगामा कर दिया तो एसपी ने क्या किया, या कुछ दो कम्युनिटीज थी वो जिन उसको लेकर आपस में भिड़ गई तो एसपी ने क्या किया, डीएम ने क्या किया, कि आप कहीं पे इनकम टैक्स और ये IRS ऑफिसर थे आप रेड मारने गए, समथिंग समथिंग इस तरह की जो ये आपको ना लोकल न्यूज पेपर से मिलेंगे ये सब गाइडेंस, तो बेसिकली है प्रैक्टिकल आंसर उनको चाहिए। सेकंड चीज़ मान लो कि आपको किसी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो होता क्या है जैसे आपका इंटरव्यू में ड्यूरेशन लिमिटेड रहता है 30 मिनट्स मिलते हैं हम आपको, मतलब इससे ज़्यादा वो देते नहीं, किसी चीज़ का एक्सटेंड होता है 45 मिनट्स, बट इन जनरल 25 to 30 मिनट का इंटरव्यू रहता है। उसमें मान लो कि आपको कोई चीज़ नहीं आती थी, उन्होंने आपसे पूछा बट आप बोलेंगे यार हमसे पूछा है, मेरी लाइफ में पहली बार मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, आंसर तो देना ही है, आपने भी आंसर दे दिया जो भी गलत था ऑफिस की आपको पता नहीं था मुझे, वो लोग कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे जैसे आपने ठीक ही बोला है, उसके ऊपर फर्दर कोशिश करेंगे, आपने क्या किया अगर झूठ बोला आप उसके ऊपर फिर एक बार बोलिए, फिर वो करते चले जाएंगे, पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे आपसे, आपसे आपने झूठ नहीं पाएंगे कि नेक्स्ट वाले को हैंडल कर, जो आप देखिए हिंदुओं के बाहर बोलेंगे भाई इसको मतलब झूठा इंटीग्रेशन तो डाउट नहीं, कभी सामने नहीं बोलेंगे ऐसे क्रॉस कभी नहीं करेंगे कि आप गलत बोल रहे हो ऐसा कौन सा नहीं है, कभी नहीं करेंगे। तो उसके इसमें क्या है कि आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो आप सीधे बोल दोगे सर या तो मैं इस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ या आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, वो कभी भी बुरा नहीं मानती इस चीज़, बट इसमें एक डेंजर है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सूरत शहर के हो तो सूरत शहर की जो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, आप जिस कॉलेज से पढ़े हो जो आपका बैकग्राउंड है या जो भी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ पे ये बोल देते हो ना कि मैं तो ये चीज़ पता नहीं है तो वो चीज़ का बहुत बैड इंप्रेशन आता है, जैसे कि जैसे आपका कुछ नाम है अगर आपको मैं आपका नाम पूछूँ अगर आपका नाम भूल जाए तो वो इस चीज़ को उसमें लेते हैं, मतलब ये इसको कुछ बताता नहीं है ये मजे में है वो बहुत बैड इंप्रेशन देता है, वो बेसिक गलती होनी चाहिए। बाकी उन्होंने कभी टफ सवाल पूछा है ड्रिल करने के लिए पूछा है, कभी कभी ड्रिल करने के लिए भी पूछ लेते हैं जैसे कि भाई वो चाइना बॉर्डर पे क्या चल रहा है आपने बोला सुन लिया है मैंने ऐसे नहीं ठीक से बता दूँ क्या है ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे कभी बोलेंगे आप बस थोड़ा मुस्कुरा के आ रहा हूँ वो समझते हैं ये चीज, बट आपने बेसिक आंसर नहीं दिए तो उसका बहुत बैड इंप्रेशन होता है। इसी चीज ये है कि बहुत सारे बोर्ड्स रहते हैं, बोर्ड्स कंटिन्यू होते हैं कई साल में, जैसे कि थेरेपी के 20 साल का बोर्ड था 25 साल का बोर्ड है, तो कई सालों तक बोर्ड कंटिन्यू होते हैं, तो क्या होता है कि असम्पशन बन जाता है, जैसे इस साल जो लोग देके आए हैं इंटरव्यू तो उनका एक अपना असम्पशन है कि भाई ये तो ऐसे मार्क्स देते हैं, ये सब तो ऐसे मार्क्स देते हैं, ये सब तो बिलीव करते हैं, तो जब आप अगले साल जब इंटरव्यू देने जाओगे आप किसने पिछले साल जितने इंटरव्यू दिया जब आप उससे बात करोगे तो आपको फीडबैक देगा इस तरह की, तो आपके दिमाग में भी वो बात सेट हो जाएगी, तो आप फिर माइंड से जाओगे कि यार ये सर का बोर्ड को मिलना चाहिए, ये सर का बोर्ड मिलना चाहिए, आप जाके बैठते हो सबसे पहले आप कहते हैं कि पहला आपका नंबर है, पहले आप वहाँ पे आगे बंद खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में फिर आप जब ये सोच के जाते हो कि ये बोर्ड नहीं मिलना चाहिए, जब वो ये बोल देते हैं कि आपको तो ये बोर्ड मिला है तो फिर आप घूमेंगे भी पूरा आपका जो सोचता शहर होता है सब खत्म हो जाता है, तो पहला जो प्री डिटरमाइंड माइंड है ना वो लेके नहीं जाना चाहिए कि भाई ये बोर्ड में मैं गया तो ये बोर्ड में वो खराब नंबर मिला है, ये बोर्ड गया तो ये अच्छे मिला, क्योंकि हर बोर्ड टॉप नंबर भी देता है बॉटम भी देता है और ये भी वो बैंक का जो रहता है वो मेंटेन करते हैं, वो तो हर तरह के नंबर वो इम्पार्ट करते हैं, तो कोई भी प्री डिटरमाइंड नोशन लेके जाना ही नहीं चाहिए, जो भी है देखा जाएगा वही देखा जाएगा, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रिसर्च कर सकते हो हर टीचर के बारे में आप, बट उससे ज्यादा नहीं, तो एक चीज ये हो गई प्रैक्टिकल आंसर प्री डिटरमाइंड से नहीं जाना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हाँ जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता जब आप बोल देते हो तो उसमें दो चीजें रहती हैं आपकी, एक तो आपकी ऑनेस्टी ऑब्वियसली कि भाई आपको नहीं आता है वो भी समझ गया भाई इसको नहीं आता है, दूसरी चीज ये है कि जब आधे घंटे का टाइम आपका डिटरमाइंड है तो आपने क्या किया आपने ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं किया, आपने पहले मनाया कर दिया जैसे मेरे को नहीं आता तो उसमें सारे क्वेश्चन नहीं आया, अब जो क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि वो आपको आता होगा तो डिस्कशन से इस पर चलेगा, तो आपने क्या किया एक तरह से उन चीजों पर डिस्कशन मैक्सिमाइज किया जो आपको आती थी और उन पर मिनिमाइज किया जो आपको नहीं आती थी, पहली बार नहीं मना कर दी जैसे मेरे को नहीं आती बात नहीं कर, पर कभी कभी क्या होता है
कि वो टेम्परामेंट चेक करने के लिए, ग्रिल करने के लिए आपसे पूछने के बढ़िया क्या है, आपने मना कर दिया तो फिर से उसको फर्दर क्वेश्चन पूछता है, आप फिर से मना करते हो तो फिर से फर्दर क्वेश्चन उसी चीज पे करता है और वो चार या पांच क्वेश्चन उसी पे करता है, तो आपको समझ नहीं आता। आपने बोलते हो मतलब भाई उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं पहली बार तो मना कर रहा हूँ, बट वो क्या आता है वो टेम्परामेंट चेक होता है। जैसे एक बार एक लेडी थी तो वो गई तो उनको ऐसा बोला कि उनको तुम्हें नंबर अच्छे दे देता हूँ और तुमको तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाएगी, तुम्हारा हम कैटर ये है तुमको वहाँ मिलेगा, मेरे को वहाँ पे काम है मेरा काम करवा दूँगा, ऐसे लिटरली बोला उसको। जैसे रैगिंग टाइम होती है जैसे सीनियर बाप मना करते हो तो सीनियर फिर लेकिन बोलते रहता है, उसने बोला कि नहीं जगह नहीं है तो आप चले जाओ उठो जाओ, मेरे को बात नहीं करिए, ऐसा है नहीं भी शौक रहेगी क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब सोचती नहीं आई थी तो फिर उसको तुम समझ नहीं आएगा क्या होगा, बोली सोची सर कि नहीं नहीं आप जाओ, आपको अगर करना है तो बोलो, अगर आप एग्री करते हो तो बोलो, एग्री नहीं करते तो जाओ ठीक है। तो देन शी स्टार्टेड क्राइंग और जाने लगी थी और उसने उसको वापस कर दिया। तो ये सब भी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते, बहुत रैंडम, बहुत हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ भी होता है, किसी के आप भी दो चीजें है जैसे कि आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसमें इश्यू ये रहता है कि जब आप टेस्ट लिखते हो तो आपकी जो कॉपी चेक होती है उसमें वो दिल लेते हैं और दिनों की शीशा बचेंगे, उसी दौरान आपको दूसरा टेस्ट भी हो चुका होगा, तीसरा भी हो चुका होता है, और आपकी पहले टेस्ट की कॉपी चेक होकर आई नहीं होती है तो आपको पता ही नहीं होता, फीडबैक पता नहीं होता, तो आप दूसरे और तीसरे में क्या इंक्लूड करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में यही इशू है, मतलब आप जो फीडबैक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं कर पाते, इम्पोर्टेंट डिले चाहिए, और स्पेशली जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है विजय क्या है विजय तो ठीक है चलो फोरम आई एस वगैरह है जी एस स्कोर है, उनके साथ इशू ये है कि वो लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब एनरोलमेंट कर लेते हैं बच्चों का, एंड देन फिर वो जस्टिफाई नहीं करता हमें। तो उस केस में क्या होता है कि आप टेस्ट लिख लो पर आपको कोई फीडबैक नहीं आ रहा है और फिर आप कंटिन्यूसली लिखते आ रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर कोई आपकी कॉपी टाइमली चेक कर सकता है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई आपकी कॉपी टाइमली चेक नहीं कर सकता है तो आप क्या करो ज्यादातर गोइंग ऑन वीकली बेसिस, तो मैं वीक के एंड में टेस्ट लिख दूंगा, वीक के एंड में आप डेली चार पाँच क्वेश्चन लिख के लिख सकते हो, उसमें क्या है आप खुद से भी ले सकते हो, वरना क्या है कि जैसे जो भी ये वेबसाइट्स है आई एस बाबा है इनसाइट आई एस है ये सब पे फ्री इनिशिएटिव्स रहते हैं, मतलब वो डेली चार पांच क्वेश्चन डालते हैं तो लोगों का आंसर लिखते हैं एंड देन आपस में फीडबैक देते हैं एक दूसरे का, वो ज्यादा हेल्प करता है। तो डेली बेसिस पे क्या है आप लिखो चार पांच आंसर लिखो चार पांच आंसर लिखो और अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, जब आप ओवर द पीरियड तीन या चार घंटे डेली जब आप चार पांच आंसर लिखते हैं ना तो वो बहुत अच्छी रहती है आपकी, बहुत अच्छी रहती है। बीच बीच में क्या है आप थोड़ा ना ये सब थोड़ा सा कैसे इनोवेट कर सकते हैं, लाइक कि कैसे मैं डायग्राम कुछ डाल सकती हूँ उसमें, या फिर कैसे मैं मैप वगैरह डाल सकती हूँ, कैसे फ्यू चार्ट वगैरह डाल सकती हूँ, जैसे मैं मैप वगैरह बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, मेरे को ऑप्शन जो अच्छी था तो मैं अराउंड मतलब मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं 10 या 15 सेकेंड में वर्ल्ड मैप भी बना सकता हूँ और इंडिया मैप भी बना सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को मुझे बनाना तो मैप बना दिया ये बना दिया, ऐसा नहीं है कि भाई वो उससे नंबर ज्यादा आते हैं, उतने भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं बनाते तब भी नंबर आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए मैं बना सकता था इसलिए मैं बनाता था, आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी के क्या होता है किसी के डाटा बहुत अच्छे होते हैं, जब आप ऑब्वियसली आप न्यूज पेपर डेली पढ़ते हो आपके पास डाटा वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, वो डाटा का बहुत अच्छे यूज करते हैं, फ्यू चार्ट वगैरह बहुत यूज करते हैं, जैसे आपको जो क्लिक करें कुछ ज्यादा करने का तो वो कर देना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेन स्पीड डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा टाइम वीकली बेसिस पे टेस्टिंग दे देंगे, उसके अगर डेली आप तीन चार क्वेश्चन लिखो एंड देन इसमें कीजिए मोर इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग स्किल्स। पूछना है किसी को सर ऑप्शनल क्या
नहीं देखो ऑप्शनल में जो भी आएगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे ही आएगा। मैंने ट्वेल्थ तक इसलिए बोला कि ट्वेल्थ जो रहता है ना वो फाउंडेशन रहता है। अगर किसी का ट्वेल्थ में मैथ वीक था तो उसको ग्रेजुएशन का मैथ करने में बहुत तकलीफ आएगी। समझिए इम्पॉसिबल है बट उसको तकलीफ आएगी ऑब्वियसली। उसको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट में उसका बेस बना हुआ हो तो उसको उतना पुश नहीं करना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शनल रहेगा ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री मैथ कोई भी रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का ही रहेगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कोई ओवरलैप कर रहा है ना, जैसे कोई इंजीनियरिंग में है अगर, और इंजीनियरिंग में वैसे लोग इतनी मेहनत करते नहीं है, बट अगर कोई अच्छे से कर लिया है मैकेनिकल सिविल वगैरह वो भी अच्छा है ग्रेजुएशन लेवल का। न्यूज पेपर फॉलो करना चाहिए मतलब ये वेबसाइट वगैरह फॉलो नहीं करनी चाहिए। जो हर कोई कोई इंसान है जिसमें नहीं लिखता जो जैसे पास किया ना ये का बात लिखता है, कुछ लोग लिखते हैं जो भी कुछ लोग लिखते हैं उसमें से भी कुछ लोग पास होते हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सल तो है नहीं कि भाई इतना इंसान एक्सप्लोर करना ही है आपको ना एक्चुअली क्या है ये सब सोर्सेज है, कुछ फ्री सोर्सेज है कुछ पेड सोर्सेज है। आप ऑफलाइन कोचिंग में आते हो कुछ ऑनलाइन कोचिंग से क्या है आपको क्या देखना है, आपको ये कि मेरा मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से क्या होगा। मान लो कि जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में क्या होता है कि आप जितना भी आपने पेपर पढ़ा आपने फोन वर्ड बना लिए और साइड में रख दिया। अब इंसाइड सिक्योर में क्या होता है वो सेम न्यूज पेपर की चार पाँच में से वो GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे पाइपर वे करके मिल जाता है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। हमारे हमको ऐसा लगता है कि भाई सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं या हो रहा है, तो आपको अपने हिसाब से देखना मालूम वो पॉपअप नहीं हो पा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होता बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया होगा मेरा बट वो पॉपअप नहीं हो पाता है एक्चुअली में। इंसाइड सिक्योर वगैरह में बहुत हैवी हो जाता है तो पॉपअप नहीं होता, स्पेशली अगर आपके कुछ अदर कमिटमेंट है जॉब वालों का तो बहुत ही कर रहा है नहीं होता। तो मैं तो क्या करता था इसलिए मैं खुद भी वो प्रिंट करा के इतना बंदा हो जाता था वो फिर पढ़ रहा था दो टाइम डेली फिर मेन से पीछे मेन से भी डेली लेवल डेली बेसिस पर मेन से भी कभी हैंडल नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि उसमें क्या होता है आप आंसर लिखते हो अपलोड करते हो आ रहे हैं तो वो भी सब चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो खाली गार्जियन अपलोड करने के आपको कॉपी में लिख के रख लो जिसमें आंसर देख लो मॉडल आंसर देख लो कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो ना सोर्सेज जो है अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करने हैं। सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उसने क्या दे रहा है क्या छोड़ना है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्वेश्चन आया इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो कैसे नहीं है कि मान लो कि 20% से देखा लें, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन आपको आते नहीं, 18 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते। आप इस क्वेश्चन के साथ ये पहले से कि 20 के 20 सवाल करने हैं किसी भी हालत में इतने तो आते नहीं है छोड़ना मुश्किल है। तो आपने क्या किया आपने देखा कि ये 2 क्वेश्चन मुझे आते नहीं है सबसे पहले तो ये दोनों भी करोगे लिख के आऊँगी कुछ भी लिख के आऊँगी इसमें आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, आपने उसमें 10-15 मिनट लगाया आपने वो आंसर लिख दिया कुछ भी लिख दिया रैंडम की। फिर क्या हुआ आपने बाकी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू किए अटैम्प्ट किए लास्ट में क्या हुआ आपके 2 क्वेश्चन छूट गए क्यों क्योंकि आपको अगर टाइम दे दिया। तो यहाँ पे देखो क्या ब्लेंडर हुआ ये एक तो आपने 2 क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जिसका कोई शिकायत नहीं था जिससे वो नंबर देगा नहीं देगा एक दो नंबर देगा वो उस क्वेश्चन के चक्कर में जो 2 क्वेश्चन आते थे वो चुन गए। ये बहुत कॉमन चीज लगी होगी आपको अगर मैं बता रहा ये ना वर्स्ट मिस्टेक है ये होती ही है। 100 कैंडिडेट बैठे हैं ना उसमें 60 कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम बैठे ना उनकी मिस्टेक होती है वो उन क्वेश्चन की कॉस्ट पे जो उनको नहीं आते थे ऐसे क्वेश्चन छोड़ाते हैं वो आते होते हैं। क्योंकि वो सबको किसी भी ये होता है कि भाई वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जाना है इसको पढ़ने करनी है तो होता क्या है वो सोचते ही आता नहीं है मैं बाद में कैसे लिखूँ मैं शुरू में लिखता हूँ मैं बीच में लिखता हूँ उसको चक्कर में क्या होता है बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो मान लो आपको 2 सवाल नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है आपको जो सबसे पहले अच्छे से आते हैं आपको वहाँ से स्टार्ट करना है आपने वो स्टार्ट किए ये बाकी के जो 18 आते हैं वो करने हैं सबसे पहले बाद में जो टाइम बचा
पाँच छह मिनट का समय आपको मिलता, उसमें अगर आप कुछ लिख सकते हो तो उसे लिखो, ये वजह है। उनकी वजह से जो आते हैं वो कॉम्प्रोमाइज भी होने चाहिए, जो आते हैं वो ढंग से होने चाहिए। इसके बाद में ये हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो नहीं आते, तो नहीं आते क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर ये उसके मतलब कॉस्ट जो है वो मिनिमम ही रहनी चाहिए, जो दो के चक्कर में कॉस्ट है, दो की कॉस्ट के चक्कर में चार क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाने चाहिए। उन दोनों का अनुभव तो मतलब मिलेंगे नहीं, इक्का दुक्का नंबर दे रहा हूँ देखा जाए। इसमें ऐसे भी जनरली ऐसा है कि आप तो ना अपनी जवाब देकर भेज दें ठीक है, उसके बाद मेरी पूरा रेडी होगी कुछ नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की सारे ऐसे यूनिट्स होगी जिसमें आपका यूनिट छोड़े उसमें काफी लो भी होगा आपका नॉलेज, काफी ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसमें आपका हाई भी होगा। अगर तो जो इंटरव्यू पैनल में जो बैठे हुए पर्सन है उसका हमारे अपोजिट वाले यूनिट्स में नॉलेज काफी अच्छा है, क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, फिर भी अगर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे, हम जवाब देने के लिए एबल नहीं है, एट द टाइम हमें उनको कैसे अप्रोच करना है कि हमें वो यूनिट से उनको हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पावरफुल उसमें हम उनको लेके जाए। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पैनल में दो तीन लोग अगर बैठे हैं तो अगर उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और हमें अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर उनको कैसे फेस करें। तो एक मान लो कि आपका हिस्ट्री ऑप्शन होगा तो सामने जो पांच लोग बैठे हैं उनका हिस्ट्री में बैकग्राउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 80% चांसेस है, 80-90% चांसेस है कि उनका हिस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि वो जनरली क्या होता है कॉमन बोर्ड बैठता है उसमें बहुत वैरिड सर्विसेज के लोग बैठते हैं, जैसे बस्ती सर है, बस्ती सर में उनका IPS है, दोषी सर है उनका प्रोफेसर है, इस तरह से बैठते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो ऑप्शनल होगा उसकी उसका भी वो ऑप्शनल रहा हो या उसका वो सब्जेक्ट रहा हो या उसका सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज रहा हो, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो पहला केस तो हम वो लेते हैं जिसमें उसके चांसेस बहुत कम है, जो मेरा तो वो बात नहीं है। मान लो ये पांच लोग बैठे हुए, ये पांच लोगों को तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ना उनसे जनरल सवाल पूछेंगे, वो ऐसे देखेंगे जो हिस्ट्री है, अच्छा कहाँ कहने वाले हो आप, सर पानी सर पानी बत्ती लड़ाई के बारे में बताओ कुछ, पानी बत्ती हिस्ट्री बताओ, बहुत कॉमन है, अगर तुम्हारा क्या फिलोसफी है अरे गीता की फिलोसफी बताओ, तो उस टाइम भी क्या होता है जिसका फिलोसफी ऑप्शन रहेगा वो पूरा फिलोसफी का ऑप्शन रिवाइज करके जाएगा, पर गीता की फिलोसफी तो फिलोसफी का ऑप्शन में है ही, वो जो सेवन तुम उसको बोलो सर ये ऑप्शन में नहीं है तो मुझे ऐसे कि गीता की फिलोसफी वो बैकफायर कर जाता है। तो जनरली क्या रहता है, तुम क्या है इसलिए अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी तुम्हारा रहता है, जिसको तुमने ग्रेजुएशन की होती है, तुम्हारी जो ग्रेजुएशन रहेगी किसी और चीज़ में रहेगी और तुम्हारा ऑप्शन जो रहेगा मान लो कुछ और है दोनों हमको माने, तो तुम्हारी ग्रेजुएशन से भी वो क्वेश्चन पूछेंगे किसी का, मान लो जैसे कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मैथ ऑप्शन है, मैंने कहा उन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है, तो मेरे को लगा ये बात कर रहे हैं डायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स की, मेरे को दिमाग में आया नहीं कि वो स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मेरे को ये था कि स्टेटिस्टिक्स की मेरे सिलेबस में नहीं है, तो ये क्यों पूछ रहे हैं, मुझे पता था कि उन्होंने मैथ का सिलेबस भी देखा, मेरे को लगा ये मेरे वाले सिलेबस की स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ मैंने पढ़ी है, मेरे को अच्छा चाइस स्क्वायर मेथड क्या होता है वो बताओ, मेरे को समझ में आया कि ये तो स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा था वो स्टेटिस्टिक्स की बात थी, अब मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने वो गलत सुन लिया या मेरे को नहीं आता, मैं फंस गया कि पहले मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को आता है सब्जेक्ट में, उसके बाद में उसका जो कुछ बहुत कॉमन टॉपिक था वो मुझे नहीं आता, वो मेरी तरफ से ब्लंडर हो गया, सुनने में कहूँगा कुछ भी कहूँ पहले हो गया, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन होता है, मैंने ये बोला कि सर मैं तो आता तो है बट अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करता, तो ये एक हो जाता है। जनरली क्या रहता है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के आप अपने डॉक्टर सब्जेक्ट के जो कॉमन एक कॉमन आदमी सवाल पूछ सकता है ना वो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जनरली वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो कॉमन चीज़ें आपको पूछिए, उनके दिमाग में जो आएगा वो देख के वो इस तरह की चीज़ें पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप बहुत जैसे बैच है तो वो आपको पूछ लेंगे भाई पाई क्या होता है, क्योंकि पाई एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इसी तरह की बहुत चीज़ें पूछेंगे, उस टाइम आप नहीं बोल सकते सर मेरा सिलेबस भी नहीं है, फिलोसफी है तो आप जितनी फिलोसफी में पूछ ही पूछ सकता है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, आप बोलो सिलेबस में नहीं है मेरा सिलेबस में नहीं पूछा, और दूसरी एक चीज़ है कि बाई चांस जो बैठ गया कुछ वो बंदे का भी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज वही है
जो आपका ऑप्शन है, मान लो हिंदी लिटरेचर है वो हिंदी लिटरेचर में प्रोफेसर है कॉलेज, तो अब या तो आपको हिंदी लिटरेचर अच्छे से होना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर आप तो मतलब क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि भाई इसका ऑप्शन था इसलिए पढ़ा नहीं, पर जनरली आपका ऑप्शन रहेगा तो ऑब्वियसली आप समाओ रिवाइज तो करके जाओगे वहां से दे ही पाओगे, लेकिन आप मैनेज कर पाओगे। पर उसमें क्या रहता है ऑप्शन तो रिवाइज करने के, जनरली क्या रहता है कि लोग जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना, कोई मैकेनिकल इंजीनियर रहता है, सिविल मैकेनिकल रहता है, आपका सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी ये सब कुछ रहता है, तो इधर बिल्कुल जीरो हो चुका होता है, क्योंकि आपको क्या होता है कॉलेज में भी ठीक से पढ़ा नहीं होता है, तो कॉलेज में पढ़ता नहीं हुआ इंजीनियरिंग में, उसके बाद में फिर आपने सब्जेक्ट भी कुछ अलग ले लिया, आपको वैसे ही कम पढ़े थे वो भी रिवाइज नहीं हुआ, जॉब भी आपके लिए आपको चाहिए नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर का तो पूछा कि पंप क्या है, आप वो भी पता है पंप में लिक्विड जाता है कि नहीं जाता है, तो थोड़ा अंतर तो बेसिक पहला चाहिए। उसमें क्या रहता है जब आप अपना डाक भरते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको पूछता है कि भाई आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे, उस टाइम पर थोड़ा सा जो आप सब्जेक्ट डाल रहे हो जैसे आपके 10-12 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और आप 2-3 सब्जेक्ट के डाल रहे हो तो वो 2-3 चीजें थोड़ा ठीक से पढ़ जाओ, तो नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई डेरिवेशन क्या है और ये न्यूमेरिकल कैसे हुआ, वो नहीं, एक कॉमन सेंस की जैसे अगर कोई केमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें उसने हीट ट्रांसफर डाला है मास ट्रांसफर डाला है, तो मास ट्रांसफर देख के बोलेगा अच्छा मास ट्रांसफर में क्या होता है, मास ट्रांसफर कहाँ मास ट्रांसफर हो गया ऐसे पूछेगा, फिर आपको लॉजिकल का आंसर देगा है, वो तो मजे में पूछेगा, आपको मजे में नहीं देना है, आपको फॉर्मली आंसर देना है कि भाई ऐसे आया ऐसे है, तो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, कॉमन जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो आपको बट डिटेल्ड उस पर रिसर्च करके रहते हैं वो करना चाहिए। डाउट है किसी को करवाना मत, रिजल्ट ज्यादा यूज करो ना, दो तीन बार वापस डाउट आएगा ये तो पूछना ही रहेंगे, तो ये इसलिए हो रहा है कि तुम लोग करते ही नहीं आए मुझे क्या कोई पूछना है हो सकते हो जी जो इसमें क्या होता है कि हर चीज भी आपको शुरुआत तो करनी पड़ती है, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई नोट अच्छे हैं या खराब है, इन्हें मेरे को अच्छे नोट बनाने हैं, तो हो सकता है कि आपने नोट बनाने बैठी है कि आपको लगेगा कि आपने जो बनाओ ये तो अच्छी नहीं है, तो अच्छा बना रहे हैं, तो आप ना क्वालिटी में मत जाओ परफेक्शन में मत जाओ, किसी चीज की स्टार्टिंग में आप चीजें इनिशिएट कर लो, स्टार्टिंग में आगे मान लो जैसे आप न्यूज पेपर पढ़ के आपके नोट्स बनाने स्टार्ट किए तो वो बोल सकते हैं कि आप न्यूज पेपर का जो आर्टिकल है वो डेट करने का है, तो आपका आर्टिकल आपने जो नोट्स बनाए वो समापन में गए, आपको 3-4 लाइनें इसमें जल्द गई पूरा पॉइंट ही छाप लिया आपने, हो सकता है कि महीने भर तक ये चले, तो कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं आप करते जाओ, चीजें जो होती है धीरे धीरे रिफाइन होती है, अच्छे नोट्स क्या होगा आपको कुछ समझ में आने लगे, आपने स्टार्टिंग में बनाए आप पूरी पूरी लाइनें में उतार लिया किताबों से, फिर नंबर आपको रिलाइज करने लगे आप खुद से रिवाइज करवाए पीछे जाके देखोगे क्या नहीं क्या नहीं आता, जिंदगी ऐसा क्या होता है कि जब आपको आंसर लिखते ना किसी क्वेश्चन का आप उसी टाइम पर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार मैंने क्या एफर्ट मारा क्या भैया, आप टीचर को दिखाओ टीचर को समझ में नहीं आएगा, वो टीचर उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होता आप अलग फ्रिक्वेंसी में होते हो, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आप इतना स्टार्ट नहीं करेंगे
तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कितने दिक्कत है। जब आप लिखना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और कंटेंट की कमी भी हो जाती है, वॉर्स भी नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हो रहा है, ये आप रेगुलरली लिखते जाओगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जो पॉलिटिकल न्यूज है ऑब्वियसली वो तो कुछ काम की नहीं है, अभी टाइम पास के लिए पढ़ सकते हो, मतलब उसका कोई एग्जाम से रिलेशन नहीं है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को तो काम नहीं आएगा, ठीक है। नीचे चीजें आप कहाँ रखते हो, फ्रंट पेज पे जाता खाली ऐसे मोटा मोटा ऊपर से देखिए उससे आप क्या रखते हो, जैसे कि जो भी जैसे कि राज्यसभा टीवी है का जो प्राइम लाइफ होगी बिग पिक्चर करके जो राज्यसभा पे आता है वो सब में अब आप उसको डिबेट वहाँ से होता है, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि राज्यसभा से न्यूज आती है आपने ज्यादा 15 मिनट का ओवरव्यू किया तो वो आपको लगेगा भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है, जब आप जब आप ऊपर ट्विटर में जब आपको पोलिट करोगे ना तो आपको दिमाग में निकलता है अच्छी ये चीज ये बात कर रहे हैं, तो आप उसको सोचिंग कर लेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो मुझे इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम थी तो वो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन थी पेपर में, वो पेपर में महीनों पर रही है, उसकी सारी अच्छाई बुराई सब वो महीनों पर रही है, ये होता है आपका मिस भी हो गया आपको नहीं समझ में, आपको समझ में आ जाएगा दो तीन दिन लगातार आई रहो तो मैं ये बार बार इसको दिया जाएगा, मैं पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा खाली तो पढ़ रही है। बाकी स्पोर्ट्स आप स्किप कर सकते हो, इसकी मान लो अगर कोई हॉबी अगर अपने क्रिकेट लिख के आता है उसमें तो ऑब्वियसली वो स्किप नहीं कर सकता है, उसको पढ़ना चाहिए एक्चुअली, मान लो आपको अपनी जब आप फॉर्म भरोगे बाद में जाता है इंटरव्यू वाला तो आपको पूछना है आपकी हॉबी क्या है, आप हॉबी उसमें क्रिकेट खेलने वाले हो तो उसके ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपके एक्चुअल में क्रिकेट हॉबी है या फिर आपके पास कुछ खाने लेने वाला आपने लिख दिया, अगर आपकी एक्चुअल में थी तो आप वो न्यूज़ पढ़ोगे, अगर नहीं थी तो फिर जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तब इंटरनेशनल बैठोगे और साल भर देखोगे क्या क्या हुआ इंटरव्यू में क्रिकेट में क्या क्या हुआ, आपकी जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो पढ़ लो, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है वो पढ़ लो, बाकी छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, उससे एडिटोरियल जो रहता है वो पढ़ने की कोशिश करो, उससे आपके दो तीन फायदे हो जाते हैं, आपकी वोकैब अच्छी हो जाती है जब आप पढ़ते हो, लोग वोकैब में थोड़ा फर्क लगता है, आप बिल्कुल समझ में आता है विषय में वोकैब में कुछ चीज़ें आ जाती है निकल के, और इसकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें यूज है, इंपॉर्टेंट क्या है ना मतलब कि भी आप आर्टिकल अगर समराइज करते हो तो उसमें तीन चीज़ें रहती है, एक तो ये कि ये चीज़ होने वाली है इसका फ़ायदा क्या है, और दूसरा कि ये चीज़ के मतलब नुकसान तो नहीं चैलेंजेस क्या है उसको अप्लाई करने में चैलेंजेस क्या है, हम जैसे न्याय स्कीम हमारे गाँव गांधी ने बोला न्याय स्कीम एक्चुअली में क्या है वो पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे में थी उसको यूपीआई बोलते थे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, एक्चुअली वो वही उसी के लिए गई है उसको जो फिर भी गरीबों को दे रहा है उसको सबको देने की बात की, उसके तौर पर कौन से थे भाई कौन से ये है कि लोग काम नहीं करेंगे पैसे मिल जाएंगे तो ये होगा वो होगा आदमी करके खर्च होंगे एंड ऑल, तो उसमें आपको देखना है प्रोस भाई क्या क्या फायदे हैं, दूसरा कौन सी आपकी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एंड व्हाट इज वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए जो वे फॉरवर्ड रहता है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक सा होता है, आप कभी भी ऐसे गुमी या रूप से वाली बातें नहीं कर सकते ये तो मतलब हवा हो गई इकोनॉमी आ गई इसकी बारिश हो जाती है ऐसा नहीं, मतलब हमारा ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन नहीं कर रहा, आप जो नोट आप बनाते हो ना समराइज करते हो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या चैलेंज और क्या हो सकता है। दूसरी चीज बात ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर में नोट्स बनाते हो ना, अगर मान लो आपने 6 महीने में न्यूज़पेपर में नोट्स बनाए, ठीक है 6 महीने में मान लो आपने 200 पत्ते भर दिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो लिखा है आप उसको रिट्रीव कर पाओ, मतलब कि आपने 2 महीने पहले यूपीआई के पीछे एक आर्टिकल लिखा था फिर नोट्स बनाए थे, 2 महीने बाद यूपीआई में फिर से आर्टिकल आया आप उसको ऐड करना चाहते हो तो आपको विद इन 1 मिनट पता होना चाहिए वो किस पेज नंबर पर, उसके लिए आपको याद नहीं करना कि पेज नंबर किस पे क्या है, आपको इंडेक्स बना करना है स्मार्ट पेज नंबर ऐसा नहीं पेज नंबर क्या है, जैसे मैं क्या करता था मैं एक्सेल शीट में कंटेंट वो इंडेक्स टेबल बना के रखता था, हमने जो नोट थे वो हार्ड कॉपी में रहते थे, तो हार्ड कॉपी में जैसे मैंने लिखा कि इंडिया की यूएस रिलेशन एक पेज ऑफ मेरा मुझे पता है पेज नंबर 22 पे आए थे, तो मान लो इंडियन यूएस की कोई भी न्यूज़ आई लिमा वगैरह जो का आई या कुछ भी आई जिसमें कुछ बीमारी कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसमें कंट्रोल एफ करूँगा अपने एक्सेल शीट में उसमें यूएस टाइप करूँगा एंटर करूँगा तो उसमें 22 नंबर लिखा हुआ जाएगा पेज नंबर 22, तो मैं सीधा नोट में 22 नंबर कर दूँगा, अगर अभी मेरे को पढ़ना होगा इंडिया यूएस के बारे में तो मैं उसमें यूएस डालूंगा और 22 नंबर आएगा मैं 22 नंबर खोलूँगा, आपको रिट्रीव करना आना चाहिए कि भाई पहले इसमें एवरनोट वगैरह यूज करते हैं होगा, मैंने एवरनोट को भी यूज नहीं किया, मैं मैंने सेमी ऑनलाइन रखा था, मैं इंडेक्स ऑनलाइन रखता था और नोट हार्ड कॉपी रखता था, जो एवरनोट पे भी यूज करते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो
उसमें कर सकते हो। मतलब बेसिक असेंस जो है नॉन मेकिंग का वो ये है कि आप ना रिट्रीव कर पाओ चीजें जिस पॉइंट पे आप चाहते हो रिट्रीव करना, उसी पे आप रिट्रीव करो, उस पॉइंट पे आप रिट्रीव करो जब भी आपको चाहिए। असल की आप नीचे भूल गए फिर वो कभी काम नहीं आया, आप खोल नहीं पाए उससे कभी या निकाल नहीं पाए कभी, ऐसा ना हो। आप जो भी करो अपना सिंसियर एफर्ट दो, अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सिंसियर एफर्ट नहीं दिया, जो भी करो मंदिर करो सिंसियर करो। Thank you. Thank you.